Hello students, welcome to the 19th lecture of construction material, timber and wood based product. जैसा कि हमने last lecture में हम पढ़ रहे हैं कि preservative या preservation के बारे में. तो क्या होता है preservation? तो जैसा कि हम जानते हैं किसी preservation. तो क्या होता है preservation? की डेफिनेशन है देयरफॉर ए प्रिजर्वेटिव मे बी डिफाइंड एज देयरफॉर ए प्रिजर्वेटिव डिफाइंड एज मे बी डिफाइंड एज Defined as may be defined as a chemical compound which is applied on the timber on the timber surfaces. ठीक है. तो ये प्रिजर्वेटिव क्या है? एक केमिकल कंपाउंड होता है. ठीक है, जैसे कि जो कि टिम्बर के ऊपर टिम्बर की जो सरफेस के ऊपर जो है लगाने के काम में आता है, ताकि उसके अंदर जो है फंगस या किसी प्रकार के जो इंसेक्ट्स वगैरह जो है उसको टिम्बर को जो है प्रभावित या उसको जो है नुकसान ना पहुंचा सके. तो इसी करके इसके अंदर जो है केमिकल कंपाउंड या केमिकल जो है सॉल्यूशन जो है लगा दिए जाते हैं. इट मेक्स द टिम्बर पॉइजनस. तो ये क्या बनाता है? इट मेक्स द टिम्बर poisonous it makes the timber poisonous for insect and fungi ठीक है, जितने भी कीड़े या फंगस वगैरह होती है या उसको खराब करने वाली होती है. एंड डज नॉट अफेक्ट essentially property of timber ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर को जो है खराब नहीं कर सकती. ठीक है, खराब नहीं करती है, उसको जो है बचाती है. ठीक है, उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है इफेक्ट होने से उसको जो है बचाती है. लाइक स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी ठीक है. तो उसकी जो स्ट्रेंथ को बढ़ाई रखती है, उसको खराब नहीं होने देती. उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या टिकाऊपन है तो उसको भी जो है वो खराब नहीं होने देता. ठीक है, ये तो कुछ केमिकल्स के द्वारा जो है अगर हम वो जिस पर आप डाल देते हैं तो, लेकिन जो ये केमिकल कंपाउंड्स है वो जो उसकी स्ट्रेंथ लकड़ी की स्ट्रेंथ या टिम्बर की स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाती. वो सिर्फ नुकसान पहुंचाती है किसे? कीड़ों को या फंगस को. ठीक है, इन दो चीजों को ही वो नुकसान पहुंचाती है. ठीक है, ऑल्सो इट गिव्स द प्लेजेंट
a pleasant appearance to the timber surface. Pleasant appearance to the timber surfaces. टिम्बर की जो सरफेस के ऊपर जो है वो अच्छे से जो है चमक बना के रखती है, तो ये प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ प्रिजर्वेशन की, ठीक है। नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो विभिन्न प्रकार के जो है प्रिजर्वेशन जो है यूज करके जो है टिम्बर को जो है फंगस या इंसेक्ट्स वगैरह से बचा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं भी, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऑयल होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ 10 डिस्टिलेशन ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ये उसकी जो गुणवत्ता बनाए रखते हैं, कोलतार और क्रश और ऑयल, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना वाटर सोल्यूशन। तो वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड ये होते हैं, सोडियम क्लोराइड नंबर दो, कॉपर सल्फेट नंबर तीन, जिंक क्लोराइड नंबर चार, नंबर तीन जिंक क्लोराइड
राइट नंबर चार मरकरी राइट। तो इन सभी का जो है सॉल्यूशन बनाकर ठीक है इन सब का सॉल्यूशन बनाकर ठीक है ये वाटर में जो है मिक्स कर देते हैं ठीक है ये केमिकल जो है वाटर को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है। तो ये पानी से वगैरह को ये खराब होने से भी बचाते हैं लकड़ी को ठीक है हर एक प्रकार से जो है ये बचाते हैं लकड़ी को ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा तीसरा पेंट ठीक है पेंट के द्वारा भी पेंट करके भी हम जो है टिम्बर को जो है इंसेक्ट या फंगी इंफेक्शन से बचा सकते हैं। तो उसके बाद आ गया एसक्यू। तो एसक्यू में भी बहुत सारे कंपाउंड या केमिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। नंबर एक एसक्यू में जो क्या क्या होते हैं नंबर एक इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं और उनकी क्वांटिटी और बाय वेट क्वांटिटी बाय वेट ठीक है। तो कितनी कितनी क्वांटिटी में रहते हैं ये जैसे आ गया हाइड्रेट एसेनिक पेट्रोक्साइड हाइड्रेट आर्सेनिक हाइड्रेट आर्सेनिक पेंटोक्साइड आर्सेनिक पेंटोक्साइड नंबर दो कॉपर सल्फेट नंबर तीन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट नंबर चार ठीक है। तो ये तीन ही होते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट तो ये सॉल्यूशन जो है इसको जब मिक्स करके इन सॉल्यूशन का इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जो एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है जिसके द्वारा जो वो सॉल्यूशन जो है या केमिकल जो है टिम्बर के ऊपर जो है लेप दिया जाता है या उसके ऊपर जो है लगा दिया जाता है ठीक है। इन सब से जो है क्या होता है कि जो है इंसेक्ट या कीड़े वगैरह जो है उसके ऊपर लकड़ी को जो है ग्राफ नहीं कर पाते या उससे बचाया जा सकता है। तो ये था टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव ठीक है। तो ये चार प्रकार के प्रिजर्वेटिव होते हैं ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो मेथड क्या क्या है भाई उसको जो है प्रिजर्वेशन या उसको बचाव के लिए उसके ऊपर जो है केमिकल कंपाउंड लगाने का किस किस मेथड के द्वारा हम जो है लकड़ी को जो है बचा सकते हैं या टिम्बर को जो है बचा सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ
timber. तो टिम्बर को कौन कौन से मेथड के द्वारा हम जो से टिम्बर को या लकड़ी को खराब होने से बचा सकते हैं. सबसे पहले आएगा शेयरिंग. द वेरियस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन depends upon the type of preservative used. Type of preservative used. तो किस प्रकार की हमें प्रिजर्वेटिव या बचावक जो है हमने यूज किया है. डिफरेंट प्रिजर्वेटिव आर यूज इन डिफरेंट प्रिजर्वेटिव आर यूज इन प्रिजर्वेशन यूज इन डिफरेंट मेथड विच मे बी डिस्क्राइब्ड. This may be described under the following headings. नंबर एक शेयरिंग. नंबर दो ब्रशिंग. नंबर तीन स्प्रेइंग. नंबर चार डीपिंग या सोकिंग नाइपिंग और शॉकिंग शॉकिंग. नंबर पांच हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस. हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस. नंबर छह वैक्यूम प्रेशर प्रोसेस. नंबर सात एसक्यू ट्रीटमेंट. एसक्यू ट्रीटमेंट. नंबर पांच आठ पेंटिंग. तो इन मेथड्स के द्वारा हम जो है टिम्बर को जो है फंगस से या प्रिजर्वेशन उसको जो है बचा सकते हैं. ठीक है, टिम्बर को जो है बचाने के लिए ये प्रोडक्ट जो है ये मेथड हम यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आ गया था चेयरिंग. ठीक है, तो चेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है. सबसे पहले है
सबसे पहला आ गया चेयरिंग, इट इज द ऑल मेथड, इट इज ए ऑल मेथड यूज फॉर प्रिजर्विंग द टिम्बर, यूज फॉर प्रिजर्विंग द टिम्बर, ठीक है। तो ये बहुत पुराना मेथड है जो कि टिम्बर को जो है बचाव के कार्य करता है, ठीक है, टिम्बर को जो है बचाने के कार्य। इन इट नो प्रिजर्वेटिव इज यूज, इट नो प्रिजर्वेटिव इज यूज, ठीक है, किसी प्रकार का जो है बचावक या प्रिजर्वेटिव इसमें जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है या प्रयोग नहीं करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्ट इन दिस मैटर, फॉलोइंग प्रोसीजर, प्रोसीजर इज यूज फॉर surface of
timber, surface of timber after burning and then cooling. After burning and then cooling. ठीक है, तो जलाने के बाद उसे जो है एक कोयले के रूप में जो है लेयर ऑफ कोल इज फॉर्म्ड, वो एक कोयले के रूप में जो है रखी जाती है और उसे जो है उसके अंदर ठंडा कर लिया जाता है. दिस लेयर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव. दिस लेयर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव for protection or a protective coat. ठीक है, तो ये जो लेयर है उसको जो जलाने के बाद जो उसकी जो लोअर लेयर पर बन जाती है. ठीक है, तो यही लेयर जो कोयले के रूप में, ठीक है, उसके बाद उसको जो है ठंडा कर दिया जाता है, तो वही लेयर जो है क्या कर दिया जाती है, उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, तो एक शीतक के रूप में या उसके जो है बचावक के रूप में जो है इसको काम में लेते हैं. ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ चेयरिंग. ठीक है, चेयरिंग कैसे करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, तो ये किससे बचाती है, फंगस वगैरह से. ठीक है, फंगस से वगैरह से जो है बचाती है. ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज में आ जाती है, तो स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रेंथ इसकी जो है कम हो जाती है इस मेथड के द्वारा. ठीक है, और वो सरफेस जो है टिम्बर की सरफेस जो है ब्लैक कलर में दिखनी शुरू हो जाती है. ठीक है, ब्लैक ब्लैक सी जो दिखती है. तो ये बहुत ही जो है पुराना मेथड है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे ब्रशिंग के द्वारा. तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद.